कि अभी यार हरिद्वार में अपन एंटर हो चुके हैं बिल्कुल। बाकी ये रहे भाई अपने शंकर जी, भाई दरकार पूरा यार हर की पौड़ी वगैरह वो सामने की तरह। यार अपनी N150 से ओवरऑल खर्चा आया कितना, इसने माइलेज दिया साथी होगी पूरी यार अपनी बाइक रेडी। हेलो फ्रेंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू ZPM ब्लॉग्स। तो अभी यार आप लोग यार काफी टाइम से कह रहे थे कि भाई यार अपनी पल्सर N150 से एक लॉन्ग टूर करो, तो फाइनली यार आज यार काफी टाइम के बाद में यार जाने वाले एक अपन लॉन्ग टूर करने वाले हैं अच्छा खासा समथिंग यार आना जाना 1000 किलोमीटर यार मे बी यार होने वाला वो यार। बाकी यार वहाँ पे जाकर के पता चलेगा किस तरह का ये रहता है, अगर ट्रिप थोड़ा ठीक रहेगा तो मे बी यार थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बाकी अगर रिस्पॉन्स के ऊपर भी डिपेंड है भाई, अगर रिस्पॉन्स ठीक आएगा ना तो उसी के हिसाब से यार अपना टूर रहने वाला। बाकी तो यार पूरी तरह से यार अपनी पल्सर N150 थोड़ा यार वो खड़ी है उधर की तरफ, अभी यार आप लोगों को दिख रहा हूँ कि पूरी तरह से यार ये रेडी कर ली है। बाकी ना हमारे पास है यार दो बैग, एक ये वाला और हम दो लोग जा रहे हैं, एक तो ये वाला बैग है और बाकी एक बैग यार और लिया, और सारे घर वाले फैमिली वाले वो खड़े हैं सब, मम्मी भैया भाभी सारे लोग, और अभी यार इसे लेके चलेंगे। सारी चीज़ें डिटेल में यार मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो देखो कितना आ रही है फ्यूल लेने वाली है, कितना माइलेज देने वाली है, वो सारी चीज़ें भी डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलो फिलहाल बट अभी क्या ना, और अभी यार जो टाइम हो रहा है अभी समथिंग यार 8:30 बजे तक यार हम लोग निकलेंगे सुबह में। यार मुझसे यार इतनी जल्दी उठा नहीं जाता। बाकी तो ये खड़ी है कुछ इस तरह से यार अपनी पल्सर N150 जिसके साथ अपना टूर होने वाला है वो सारे यार अपने फैमिली मेम्बर। तो चलो फिलहाल अभी यार अपनी बाइक को लेकर के चलते हैं, और अभी यार ना मैंने लॉन्ग टूर की वजह से आज यार अपनी राइडिंग जैकेट वगैरह मंगाई थी, तो मैं भी यार बाद में कुछ और यार इसकी पूरे किटअप वगैरह मंगा लूँगा। और फिलहाल अभी यार निकलते हैं यहाँ से, देखो किस तरह का रिस्पॉन्स रहने वाला, मैं भी आई होप यार आप लोगों को ब्लॉग ये पसंद आने वाला, तो फिलहाल चलो अभी निकलते हैं भाई। ये होगी पूरी यार अपनी बाइक रेडी, एक बैग हो रहा है उसे लेकर के फिर चलेंगे। बाकी ये तो सारी चीज़ें गियर वगैरह चाबी यार अभी अपने घर पे मिल गई चाबी, गंजे आ जा गंजू बच्चा आ जा डर यार आई गंजू बच्चा चल है? अरे ना सिम तो सब चल जाऊंगा, अरे ना चल बाबू भाई, अरे ना पैसे तो कोई बात नहीं, अरे चलो भाई चलो भाई। अभी यार टाइम हो रहा समथिंग 8:30, अभी देखेंगे निकलने में मतलब पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ट्रिप टू पे यार इसे लगा लूँगा सारी चीज़ें। हाँ बोले बच्चे, बोले बच्चे तो झमली का चले चाचू को झमली, डरी हो रही यार डर ना रही यार। चलो भाई अभी यार निकलते हैं फिलहाल, टाइम ट्रिप टू अभी लग गया भाई, ट्रिप टू फ्यूल का आ रहा था 1000 का, तो वहाँ पे चल के यार पता चलेगा। चले फिर चलो भाई चलते हैं यार अभी अपनी पल्सर N150 को लेकर के, इट में भी यार ये फर्स्ट ऑन यूट्यूब होने वाला है। 8:30 यार टाइम हो गया, और अभी क्या ना मुझे अंधेरे में यार चलना भी नहीं था, ना ही मैं नाइट राइड में करने नहीं वाला। तो अभी तो भाई अपन यार अपने मुरादाबाद में ही है, यहाँ से निकलने वाले हैं, मे भी यार यहाँ से यार होकर के जाने वाले हैं। एक ही रूट है भाई आई थिंक, वो है भाई हरिद्वार, फिर भाई ऋषिकेश, फिर उसके बाद में वो प्रयाग वगैरह, काफ़ी सारे प्रयाग पड़ते हैं, देव प्रयाग करण प्रयाग ये सारी चीज़ें, श्रीनगर, तो वहाँ से यार होकर के जाने वाले हैं। और हमारा जो मे भी फर्स्ट यार स्टॉप होने वाला ना, अगर टाइम ठीक रहेगा तो बाकी यार आप लोग बताना, अगर रिस्पॉन्स ठीक आएगा ना तो यार मैं केदारनाथ जाने वाला हूँ, क्योंकि यार वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। अगर आप लोगों को वहाँ का ट्रैक देखना है, ट्रैकिंग देखनी है, तो आप लोग बताना, वो भाई डिपेंड रहेगा रिस्पॉन्स के ऊपर। एंड आई नो कि भाई रिस्पॉन्स यार ठीक आने वाला है आप लोगों की वजह से। तो फिलहाल तो अभी मुरादाबाद में हरिद्वार और फिर ऋषिकेश, तो उसके बाद में भाई श्रीनगर यार, मे भी यार हम श्रीनगर में रात का स्टे लेने वाले हैं, क्योंकि यार नाइट राइड यार मैं नहीं करने वाला हूँ। बाकी वो डिपेंड होगा, अगर थोड़ा बहुत होगा ना तो मैं देख लूँगा, अगर ज़्यादा डिस्टेंस कवर अप नहीं करना होगा, वरना अदरवाइज़ क्या ना भाई ये समथिंग अपना जो टूर है ना 4 से 5 दिन का होने वाला है, क्योंकि पूरा 1 डे तो भाई आप लोगों को केदारनाथ में लगता है जाने आने के लिए, तो वो चीज़ें भी भाई रहती हैं। बट फर्स्ट टाइम यार इतनी दूर जा रहे हैं, वो भी यार अपनी पल्सर N150 से, वो भी आप लोगों को कहने पर। अब पूरी तरह से भाई जो भी सारी चीज़ें थी यार ले लिया, बट क्या ना एक चीज़ यार अपने पास नहीं है, वो यार पावर बैंक, और ये सारी चीज़ें यार ये होनी चाहिए थी। बट देखो पावर बैंक का यार मुझे फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करना नहीं है, बट हाँ वो तो यार फ़ोन से चार्ज हो जाएगा, गोप्रो की काफ़ी सारी बैटरी थी अपने लिए, तो आई थिंक यार ज़्यादा ज़रूरत पड़ने नहीं वाली है।
बट अभी मुरादाबाद से यार निकलते हैं। सो अभी यार निकला है मुरादाबाद से भी काफ़ी दूर। अभी ना हम लोग जो जा रहे हैं ना नूरपुर से होते हुए यार अभी निकल रहे हैं, बाकी ना एक दूसरी तरफ से भी है बट मुझे यार ये वाला ठीक लगता है। इससे पहले भी हम गए थे ना ऋषिकेश, वो उस टाइम पर यार अपने पास थी MT। तो अभी भी यार मैंने सोचा क्यों ना इसी रूट से चलते हैं। तो मैंने यार जैसे कि आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया ना कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो ठीक तरह से अगर सारी चीज़ें रहने वाली हैं ना तो हम यार जाने तो वाले हैं इधर से ही बद्रीनाथ केदारनाथ माना वगैरह जो भी और भी यार आप लोग बताना। और जैसे मैंने बताया अगर ठीक रिस्पॉन्स रहेगा तो और भी ज़्यादा लॉन्ग टूर हो जाएगा। बट अभी मे बी यार कुछ कन्फर्म नहीं है, जाना तो भाई इधर से ही है बट अगर थोड़ा सा मुझे ठीक लगा तो मे बी हम आने वाले नैनीताल से होते हुए रानी के जहाँ भाई आमिर खान की फिल्म वगैरह शूटिंग वगैरह हुई थी राजा हिंदुस्तानी, वहाँ से होकर के यार आने वाले हैं जागेश्वर भी है। अगर टाइम मिला तो मे भी कुछ कंफर्म नहीं है, तो जिस तरह का भी रहने वाला वो यार आप लोगों को पता चल जाएगा। बट अभी तो नूरपुर से यार काफ़ी दूर तो यार आ चुके हैं, तो यहाँ से समथिंग 70-80 किलोमीटर से हरिद्वार, हरिद्वार के बाद में ऋषिकेश और फिर उसके बाद में देखते हैं भाई थोड़ा स्टॉप यार कहाँ पर लेना है, किस प्रयाग में लेना है या फिर अगर टाइम से पहुंच जाएंगे तो वरना श्रीनगर में यार थोड़ा सा रुक जाएंगे, वहां पे भी अच्छी खासी ठीक चीज़ें हैं जो यार आप लोगों को दिखानी है। तो अभी यार थोड़ा सा बाइक यार राइड करने में मज़ा आएगा। तो यहां पे ना यार थोड़ा सा ठीक रहता है डबल लेन रोड पे, सिंगल लेन पे ना यार थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है थोड़ा सा। यहां पे ना 5 पर राइड भी यार कर सकते हो आपके पास जो भी बाइक हो जैसे कि ये। बट अभी क्या ना यार हम घर से समथिंग 8:30 से 9 बजे यार चले थे और 1 घंटा से 1.5 घंटा अभी यार हमें हो चुका है। तो 1 घंटे में हमने समथिंग 90 किलोमीटर कवर अप किया जिसमें कि हम अभी ना 2 बार रुके थे। और एक चीज़ मैं यार आप लोगों को और बता दूँ ना, मैं ना पूरी डिटेल में यार आप लोगों को बताने वाला हूँ कितना यार अपनी N150 से ओवरऑल खर्चा आया, कितना इसने माइलेज दिया सारी चीज़ें। N150 क्या, बाकी कोई भी अगर आप बाइक लेके जाते हो डिपेंड करता है माइलेज आपकी बाइक कितना दे रही है, तो वो सारी चीज़ें और वहाँ पे कितना भाई आपको लो बजट में मैं सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, क्योंकि यार अपना भी बजट कुछ यार इतना ज़्यादा नहीं है ना। दैट्स वाई मैं आप लोगों को बता दूंगा कितने लो बजट में आप लोग अपना ट्रिप कर सकते हो अपनी किसी भी 150-250 जो बाइक, तो भाई आप लोगों के पास हो वो यार डिपेंड करता है उसका माइलेज कितना है। बट अभी थोड़े ना यहाँ पे ना हाईवे थोड़े ठीक हैं तो यहाँ पे तो ईजीली यार खींच ही सकते हैं। अब बाकी यार बात करें यार अपनी पल्सर N150 की, जो कि यार पहला टूर यार हो रहा है आई थिंक फर्स्ट में भी और यूट्यूब जैसे मैंने आप लोगों को, तो बाकी यार बात करें ना अपनी पल्सर N150 की, तो ये ना भाई बिल्कुल भी, मैं अभी इसे कितना 90 पे चला रहा हूँ, बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल भाई बहुत ही कम इसके अंदर से वाइब्रेशन निकल के आ रहा है, बहुत कम। तो वो मतलब कह सकते हो ना इसके अंदर ना ठीक चीज़ है, ऐसा नहीं कि इशू वाइब्रेशन, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बहुत कम इशू इसके अंदर आ रहा है, काफ़ी ठीक है, सस्पेंशन ठीक तरह से वर्क कर रहे हैं। थोड़ा पास हमारे पास समथिंग 15 to 20 kg हमारे पास सारा अपना लगेज है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। पिलियन के साथ में हम जा रहे हैं, मतलब 2 यार हम लोग जा रहे हैं। और बात करें ना थोड़ा अगर 90 की समथिंग मैं स्पीड पे चला रहा हूँ तो हीटिंग इशू भी मुझे इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिला है, तो वो चीज़ ठीक है। अगर आप लोग भी अगर N150 से प्लान करो ना तो हीटिंग का इशू अभी तक यार मुझे आया नहीं है। वो बात अलग है कि हमने 1-2 जगह स्टॉप ले लिया था, बट फिर भी ऐसा होता है ना कि टैंक के पास में आप लोगों को वो सारी चीज़ें फील होती हैं, बट इसमें मुझे ऐसा अभी तक कोई भी फील नहीं हुआ, ना ही वाइब्रेशन। ग्लव्स में चला रहा हूँ तो और भी ज़्यादा स्मूथ मुझे ये लग रही है, तो ये चीज़ ठीक है। माइलेज यार आप लोगों को अच्छा निकाल के दे देगी, वो आप लोगों को पता चल जाएगा। और अभी देखेंगे कितना इसने दिया, जहाँ पे भी स्टॉप होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो बाकी यार आप लोग बताना, मतलब केदारनाथ और मैं जाने वाला हूँ, ऊपर का ट्रैक करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यार वहाँ पे ना समथिंग 1 से 1.5 दिन यार लगता है वहाँ पे जाना, फिर ऊपर यार हमें कहीं पे स्टे करना पड़ेगा, रूम मिले या ना मिले, बट आई होप कि अगर जाते हैं तो मिल जाए तो वो सारी चीज़ें ठीक हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा अगर जाते हैं तो। वरना बद्रीनाथ माना वाना तो है भाई, कन्फर्म्ड है, और भी बहुत सारी चीज़ें, और जो भी आप लोगों को देखनी है आप कमेंट में बता देना, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को वो सारी चीज़ें दिखाने की। और अगर अभी देखोगे ना यार मैंने पूरा इसका थ्रॉटल पकड़ लगा अपने N150 का, तो ये चीज़ तो है भाई इसके अंदर। टॉप एंड आप लोगों को थोड़ा कम देखने के लिए मिलेगा, पूरा इसका थ्रॉटल है 105 लास्ट है पिलियन के साथ में, बाकी थोड़ा सा लगेज वगैरह भी है तो ये चीज़ चेक कर सकते हो 106। बाकी ना रोड यार खाली है तो इस वजह से यार मैंने आप लोगों को दिखा दिया, वरना अदरवाइज मेरा कोई इंटेंशन नहीं कि भाई इतनी हाई स्पीड में आप लोगों को लेकर के जानी चाहिए। तो अभी यार अगर आप लोग नजीबाबाद या बिजनौर की तरफ से अगर आते हो ना, तो ये वाला जो मतलब ये थर्ड आई थिंक ये तीसरा वाला ये पुल है, यहाँ से ना भाई ये पूरे ना इधर की तरफ ये पहाड़ दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। बट अभी क्या ना वेदर यार उस तरह का है नहीं, आप लोगों को और कैमरे में ना ठीक तरह से विजिबल नहीं हो रहा, यहाँ से दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। हरिद्वार की यार ज़्यादा मतलब डिस्टेंस भी नहीं रहता, समथिंग ऐसे मैं मानता हूँ वही 20 मिनट्स यार लगने वाले हैं, और बाकी डिपेंड करता है आप कितनी भाई हाइपर स्पीड पर लेके जाने वाले हो।
ये कुछ यार अभी यार ये रिसेंटली यार ये बिल्कुल हरिद्वार के बाहर है, आप लोगों को KFC का देखने के लिए मिलेगा। बाकी ये भी खैरा ढाबा था आई थिंक ये, तो अभी ना यार न्यू यार ओपन हुआ। बाकी व्यू चेक करो और अपने हरिद्वार का किस तरह का आप लोगों को लग रहा बताना यार ज़रूर। फर्स्ट टाइम अपनी N150 था, फर्स्ट टाइम यार अपने इतने लॉन्ग टूर पर आई है वो मैंने आप लोगों को बताया, तो हरिद्वार भी यार ये फर्स्ट टाइम है। बाकी यार आप लोग ना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, एक अच्छी तरह से रिस्पॉन्स आएगा तो मज़ा आएगा यार। और भी डिटेलिंग में आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो ये कुछ स्टार्टिंग से आप लोगों को हरिद्वार इस तरह से देखने के लिए मिलेगा, चारों तरफ से पूरा भाई ढका हुआ है पहाड़ों से। और यहाँ से भाई पहाड़ी स्टार्ट हो जाते हैं, ऋषिकेश निकलने वाले हैं। फिर यहाँ से टाइम देखो भाई कितना आर अभी लगेगा। मैं भी यार हमने जो सोचा था ना निकलने से पहले कि हम श्रीनगर में स्टॉप लेने वाले, बाकी तो डिपेंड करेगा किस टाइम तक, जहाँ भी पहुँचेंगे ना शाम 5 या 6 बजे तक यार हम स्टे ले लेंगे जहाँ भी हम पहुँचने वाले हैं। अब बाकी यार हरिद्वार तो यार आ चुके हैं, वहाँ से ना समथिंग यार घर से ना 9 बजे निकले थे और अभी जो टाइम हो रहा ना समथिंग 11:30 ही हो रहा, समथिंग के 11:30 टाइम हो रहा, 9, 10, 11, 11:30। तो 2.5 घंटे में यार हमने कितना कवर अप किया, 149 किलोमीटर, तो समथिंग यार 1 घंटे में 50 किलोमीटर यार आप लोग, 1 घंटा भी कम भाई उससे भी, क्योंकि यार हमें 2.5 घंटे लगे। तो 2.5 घंटे में यार हमने पूरा 150 किलोमीटर अपने घर से यार ये बैठा मुरादाबाद से यहाँ तक, जो यहाँ से यार हमने अभी कवर अप किया। तो फ्यूल भी यार अभी इसके अंदर है यार काफ़ी, तो वो भी अभी देखते हैं भाई किस टाइम पर ख़त्म होने वाला है। तो चलो वही इस टाइम तो यार थोड़े मुरादाबाद के बाहर थे, बट अभी ना बिल्कुल एंटर कर चुके हैं, थोड़ा अंदर चल के ना थोड़ा रश होगा तो यहाँ से दिखा दूँ। वो और सामने मंदिर आप लोगों को पता हो तो आप लोग बता देना। बाकी ना अभी रास्ते जो है ना थोड़े यार कुछ ऐसे ही हैं अभी, तो मतलब जिस तरह से यार होने चाहिए ना अभी यार वैसे है नहीं, बट कुछ टाइम में यार मे भी होने वाले हैं सारे परफेक्ट, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस। अभी इधर की तरफ भी यार ये काम चल रहा है, साइड की तरफ ये कोई नदी निकल रही है, ये तो भाई आई थिंक ये नाला, आगे कोई उधर नदी वगैरह थी, और इधर की तरफ ये यार ये काम ही चल रहा है। बाकी पहाड़ तो यार आप लोगों को पता ही है, और इस तरह के रास्ते हों तो आप भाई से थोड़ा खींच भी सकते हो N150 को और अपनी कोई भी बाइक को, बट अपने साथ तो यार अपनी N150 है ना, तो इसका भी मज़ा यार अलग ही है। तो ये चेक कर लो भाई यार अभी यार अपना हरिद्वार, ये वाला तो पुल यार ये पहले था, बट अभी ना कंस्ट्रक्शन का काम अच्छी तरह से चल रहा है, तो ये वाला भी यार न्यू वाला समथिंग 1 से 2 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी ये जय हिंद वंदे मातरम, ये यार अपना कुछ इस तरह से यार हरिद्वार। पानी वानी भी यार अभी आप लोगों को दिखा दूंगा ना, मतलब उस तरह से है नहीं जो यार ओवरफ्लो टाइप यार चलता है ना ये कुछ। आई थिंक यार यहाँ पे क्या चल रहा है, अच्छा ये नीचे आने जाने का रास्ता है यार। बाइक यार यहाँ पे यार रुकेगी, लगा तो रखी यार इन भाई लोगों ने यार कुछ ने, तो पानी भी यार मतलब बाइक यार यहाँ पर रोक सकते नहीं, तो कहीं अलग जगह से यार मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। वाटर लेवल तो ठीक है भाई, आराम से नहाने धोने के लिए जो भी आप लोग करना है कर सकते हो, एकदम क्लियर पानी चल रहा है यार, एकदम ठंडा तो यार आप लोगों को पता ही है ठंडा तो भाई होता ही होता है। चलो अब यार हमें जाना पड़ेगा ऊपर ब्रिज पर जाना पड़ेगा, फिर उधर की तरफ से देहरादून ऋषिकेश वाला जो हाईवे उधर से यार हमें निकलना है। अभी लेना पड़ेगा भाई एक यू टर्न और थोड़ा आगे से आई थिंक यार वो लेना पड़ेगा भाई। अभी यार एक चीज़ बड़ी प्यारी है आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ, आई थिंक यार यहाँ पे यार लगाने देंगे नहीं। तो ये चेक करो भाई अभी ना ये बिल्कुल यार ये सूखा चल रहा है, बाकी अभी यार हरिद्वार में अपन एंटर हो चुके हैं बिल्कुल, हर की पौड़ी पे देखो बिल्कुल ना यहाँ पे भाई पानी आई थिंक ये बंद कर रखा पता नहीं क्या, बट है नहीं। और बाकी तो अभी आप लोगों को ये जा रहा भाई डायरेक्ट देहरादून के लिए, देहरादून ऋषिकेश सीधा, तो हमें निकलना भाई ऋषिकेश के लिए। तो चलो अभी ऊपर से यार मैं आप लोगों को थोड़ा कुछ दिखा दूंगा। पैदल होते हैं तो थोड़ा यार डिटेलिंग में हो जाता, बट क्या ना बाइक से अगर रहते हो ना तो हर जगह यार बाइक लेकर के जा नहीं सकते, तो ये चीज़ यार रहती है। तो यहाँ से ना भाई ऋषिकेश देहरादून से यार अपना 23 किलोमीटर रह जाता बात करें यार, तो अगर देहरादून तो यहाँ से 51 बद्रीनाथ है भाई यहाँ से 318 किलोमीटर भाई अभी, तो वहाँ तो यार जाने में यार अभी टाइम लगेगा, मतलब देखो समथिंग एक दिन नेक्स्ट डे यार हम यहाँ से पहुँचने वाले हैं, अभी कहीं पे स्टे लेंगे फिर उसके नेक्स्ट डे यार हमें पहुँचना पड़ेगा बद्रीनाथ। तो ये है भाई हर की पौड़ी चेक कर लो, बाकी ना पूरी तरह से पानी सूखा हुआ ही चल रहा भाई, पूरी तरह से सूखा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। वो क्या ना भाई यहाँ पे ना थोड़ी सफाई वगैरह चल रही है, तो अभी यार कंडीशन देख लो यार कुछ यार इस तरह से हो जाती है बाइक राइडिंग करते हुए हेलमेट लगाते हुए। बाकी ना अभी यार अपन आ चुका है हरिद्वार, अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये भाई दरकार पूरा यार हर की पौड़ी वगैरह वो सामने की तरफ वो भाई बिल्कुल सूखा हुआ चल रहा है उस इस टाइम पे, क्योंकि थोड़ा साफ सफाई चल रही है, ये सारी चीज़ें अभी चेक कर लो। तो यहाँ पे ना बिल्कुल पूरी तरह से उधर की तरफ थोड़ा सा पानी है, तो वो भी यार ना थोड़ा साफ हो रहा है, साफ सफाई चल रही है,
सारे ना गेट वगैरह जो है बंद है। तो ये यार अपना हरिद्वार भक्त अभी ऋषिकेश के लिए यार निकलने वाले। आगे की तरफ भी यार मैं आप लोगों को काफ़ी चीज़ें दिखा दूंगा। और बाइक से क्या ना मैं आप लोगों को ज़्यादा डीपली यार दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि ना बाइक खड़ा करना फिर वो सारी चीज़ें एक तरफ दूसरी तरफ जाना, बैग वगैरह भी है। तो अभी यार यहाँ से निकलेंगे, आगे एक दो चीज़ मैं आप लोगों को और दिखा दूंगा। ऋषिकेश के बाद में कोई भी एक प्रयाग होगा या फिर अदरवाइज़ अपन रुकने वाले हैं श्रीनगर में। तो फिलहाल अभी यार यहाँ से निकलते हैं। तो चलो भाई अभी यार चल रहे हैं यार, यहाँ से ग्लव्स यार निकाल दिए, थोड़ी गर्मी लग रही थी। बाकी ना बिल्कुल यार सूखा हुआ है अपनी तो हरिद्वार। और अभी यार आप लोगों को आगे दिखा दूंगा शंकर जी की मूर्ति। और उसके बाद में ज़्यादा कुछ यार वैसे है नहीं, वो हर की पौड़ी दिखा दे यार आप लोगों को। तो पानी यार वहाँ पे बिल्कुल सूखा चल रहा है, ये भी भाई बिल्कुल इधर की तरफ भी सब सरफ यार ये सूखा। बाकी ये रहे भाई अपने शंकर जी यार, जो कि यार हरिद्वार में यही सबसे बड़ी है, बहुत दूर से यार ये दिख जाती है। और अभी तो वैसे यार पानी होता ना तो और भी ज़्यादा यार ठीक चीज़ें लगती हैं, बट अभी ना बिल्कुल सूखा चल रहा है। तो ये चेक कर लो इधर की तरफ भी भाई, पानी तो पूरा सूखा हुआ है इधर ना हर की पौड़ी की तरफ सब सरफ आप लोगों को सूखा ही पानी अभी इस टाइम पे देखने के लिए मिलेगा सूखा। तो ये कुछ चीज़ें रहती हैं भाई दिखाने के लिए, बाकी तो यार मैंने दिखा दिया। तो दोबारा चेक कर लो यार पूरा ना बिल्कुल पूरा स्वामी ये भाई घाट ये बिल्कुल बंद ही है, बंद तो वो तो बंद नहीं है मतलब पानी बिल्कुल सूखा है। और अभी यार यहाँ से तो मैंने यार 23 बताया था, अभी यहाँ से ना ऋषिकेश 17 किलोमीटर, देहरादून 48 किलोमीटर, और माना पास है भाई 355। माना पास हमें तो माना पे जाना है सिर्फ, माना गांव। और अभी यार थोड़ा आर्ट पर यार देख लो यहाँ पर ना बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं बनी हुई, ये पूरा यार अपना देहरादून हरिद्वार राम झूला ये, और इधर ये महाभारत के कुछ यार ये सीन, सब चीज़ें यार बड़ी सही लगती हैं, सारे देवी देवता। बाकी गौतम बुद्ध को भी जोड़ दिया और भगवान बौद्ध भी यार उसी में लगा दिए। और ये बद्रीनाथ केदारनाथ सारी चीज़ें भाई यार अपन सारी जगह यार अपन जाने वाले हैं। कृष्ण जी बाकी यार मुझे ज़्यादा नाम पता नहीं है, सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई लोग, ये चीज़ यार मुझे बड़ी ठीक लगी गोमुख। और ये देखो भाई सारी चीज़ों के यार मुझे नाम नहीं पता, बट यार देख करके यार बड़ा ठीक लग रहा है। ऋषिकेश यहाँ से बचा भाई 15 किलोमीटर, बद्रीनाथ 300 किलोमीटर। तो 300 में आज भाई समथिंग यार 150 तो और यार हम कवर अप कर लेंगे। पर अभी लग रही है भाई भूख, अभी थोड़ा आगे थोड़ा खाना वाना खाएंगे, क्योंकि यार सुबह यार थोड़ा ब्रेकफास्ट कर करके आए थे। सो चलो भाई अभी यार बाबा कहते हैं यार अपने हरिद्वार को, और अभी निकलते हैं ऋषिकेश की तरफ। और देखो फिर वहाँ पे कहाँ चल के यार के स्टे लेने वाले, ऋषिकेश में तो यार नहीं लेने वाले हैं, बट आई थिंक उससे आगे कोई भी अगर प्रयाग पड़ेगा ना वहाँ पे यार हमने सोचा है, क्योंकि शाम तक तो यार हमें बाइक खींचनी है, नाइट में हमें सिर्फ नहीं चलानी है, तो डे में यार हम राइड करने वाले हैं। तो अभी तो फिलहाल यार यहाँ से भी निकलते हैं, और निकल ही चुके भाई हरिद्वार से, तो ऋषिकेश थोड़े टाइम में पहुँच जाएंगे। बट चलो अभी हरिद्वार के बाबा कहते हैं बाकी यार आप लोग कैसे बाबा है, अभी मिलते हैं यार अपने एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में और एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। काफ़ी सारे एपिसोड यार आने वाले हैं अपने यार मुरादाबाद टू केदारनाथ बद्रीनाथ राइड के लिए। बट चलो अभी तो भाई काफ़ी सारे ब्लॉग यार आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे।